डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव के नाम पर फर्जी पैथोलॉजी लीलावती पैथोलॉजी चलाने वाले संचालक और एक मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट को गुलहरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति BRD मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव के डिग्री से पैथोलॉजी चला रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में विनोद सिंह पुत्र सूर्य प्रताप सिंह निवासी ग्राम टिकरिया थाना गुलहरिया तथा डॉक्टर सुनील कुमार सरोज पुत्र कमला प्रसाद सरोज निवासी जहांसापुर थाना मछली शहर जिला जौनपुर हाल पत्ता प्रशिक्षु लास्ट ईयर MBBS छात्र BRD मेडिकल कॉलेज गौतम छात्रावास थाना गुलहरिया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव के आधार कार्ड की छाया प्रति, MBBS डिग्री की छाया प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, शासकीय वैद्यकीय गवर्नमेंट महाविद्यालय औरंगाबाद पैथोलॉजी डिग्री की छाया प्रति, शपथ पत्र की मूल प्रति, 2 अदद मोबाइल फोन तथा 40,000 रुपए नगद बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह चौहान ने बताया, उन्होंने 28 तारीख को तहरीर दी कि एक मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने अपना नाम देखा, पैथोलॉजी रिपोर्ट में तो कंचन श्रीवास्तव लिखा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो मैं मेरा ही नाम लिखा हुआ है, होता कोई और हो। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि छानबीन की, वो एक लीलावती जो महिला ये लेडी कंचन श्रीवास्तव के डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रहे थे अपने, उसमें जो डॉक्टर है वो हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते इसमें, तो ये रजिस्ट्रेशन इस वजह से हो नहीं पाया क्योंकि ये डॉक्टर श्रीवास्तव जानते ही नहीं थे, उनसे कोई बात ही नहीं हुई श्रीवास्तव, लेकिन उसके नाम का उपयोग ये अपने पर्चे में करने लगे। जो BRD मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उनके नाम का उपयोग करके एक लीलावती पैथोलॉजी लैब है जो उनके नाम का यूज़ अपने जो मेडिकल के जो रिपोर्ट्स होती हैं पर्चे होते हैं उसमें उनका नाम का उपयोग कर रही हैं। पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई तो पाया गया कि विनोद सिंह जो वहाँ पर पैथोलॉजी लैब के जो इंचार्ज हैं उन्होंने डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव के दस्तावेज जो उनके MBBS की डिग्री है और उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फर्जी तरीके से कहीं से प्राप्त करके एक बिचौले के माध्यम से प्राप्त करके जो पैथोलॉजी लैब है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव को ये जानकारी नहीं थी तो ये किसी वजह से ये जो पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन है वो हो नहीं पाया। बाद में जो पुलिस के द्वारा जिसके माध्यम से ये दस्तावेज प्राप्त किए गए थे, ये MBBS फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है BRD मेडिकल कॉलेज में, सुनील नाम है इसका, और इसने जब एक बार BRD मेडिकल कॉलेज में बताया कि वहाँ पर आग लग गई थी तो वहाँ से इसने जो दस्तावेज हैं वो ले लिए और वो दस्तावेज इसने 40,000 रुपये देकर विनोद सिंह को दे दिए, और इसके बाद ये गलत तरीके से क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया था इसके बावजूद जो विनोद सिंह है वो अपनी पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट में जो उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव का उपयोग ये फर्जी तरीके से कर रहे थे। तो इसी बात की जानकारी जब डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव को हुई तो उन्होंने गुलरिया थाने में इसमें FIR पंजीकृत कराई, पुलिस के द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो भी फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने चुराए थे वहाँ से वो भी बरामद कर लिए गए हैं, इसमें जो उनकी मेडिकल MBBS की डिग्री है साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा इनसे बरामद कर लिया गया है। इन्होंने तहरीर अज्ञात में दी थी क्योंकि इनको पता नहीं था कि इनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, तो इन्होंने जब उसका मेडिकल पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट देखी उसमें इनका नाम था तो इन्होंने अज्ञात में तहरीर दी कि मेरे नाम फर्जी जो मेरे MBBS डिग्री का उपयोग करके किसी ने अपना जो पैथोलॉजी लैब है उसमें अपना नाम लिखवा लिया है। ये लैब अभी नई खुली है 6-7 महीने में लेकिन इसका पंजीकरण अभी हो नहीं पाया था, ऐसा कंचन श्रीवास्तव लिखा हुआ था क्योंकि इनका नाम भी कंचन श्रीवास्तव है तो इनको ये आशंका हुई कि यार ये मेरा ही नाम है किसी और का नाम है।